हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे CBSE की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 8वां चैप्टर बंदरबांट। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, मतलब जो दोनों बिल्लियाँ थीं उनमें आपस में कहा सुनी झगड़ा क्यों हो रहा था और उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। तो इसका उत्तर होगा कि दोनों बिल्लियों के झगड़े की जो जड़ थी वो थी रोटी का टुकड़ा। तो उनको एक रोटी मिली थी जिस पर वो अपना हक जता रही थी। तो जो बंदर था उसने क्या किया, तराजू निकाला और समान बंटवारा करते हुए जो रोटी थी सारी रोटी स्वयं खा ली। अगला प्रश्न है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो और जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। तो अक्सर हम अपने बराबर के जो भाई बहन होते हैं या दोस्त होते हैं उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो झगड़ते या लड़ते समय एक दूसरे की हम चीज ले लेते हैं, उन्हें मारते हैं और धक्का दे देते हैं या उनकी शिकायत करते हैं। तो झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो, झगड़ते समय हम एक दूसरे की चीज़ ले लेते हैं, उन्हें मारते हैं, धक्का देते हैं या उनकी शिकायत करते हैं। तो जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। तो जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला जो हमसे बड़े लोग होते हैं वो करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं, मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं, तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो। तुम्हारी जो सहेली है, दोस्त है, उससे तुम मिलते हो तो क्या कहते हो। तुम्हारे शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, तुमसे मिलते हैं तब उनसे तुम क्या कहते हो। तुम्हारी दादी नानी तुमसे मिलती हैं तब उनसे तुम क्या कहते हो। तुम्हारे बड़े भाई बहन तुमसे मिलते हैं तो उनसे तुम क्या कहते हो। तो तुम्हारी जो सहेली है, दोस्त जब मिलता है तो हम उससे क्या कहते हैं, हेलो हाय कैसे हो, ये सब कहते हैं। और जब हम शिक्षक से मिलते हैं, अध्यापक से मिलते हैं अपने, तो हम उनको नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। और जब दादी नानी से मिलते हैं तो हम नमस्ते करते हैं, उनके पैर छूते हैं, राम राम कहते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं। और जब हम बड़े भाई बहनों से मिलते हैं तो हम उनको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो कहते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, अब पता लगाओ कि तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते कहते हैं। तो कक्षा में लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, जो बच्चे होते हैं हाय हेलो हाय बड़ी और नमस्ते इस तरह से कहते हैं। तो कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, हाय बड़ी, नमस्ते। आपका अगला प्रश्न है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। तो अगर बंदर बीच में नहीं आता तो जो रोटी थी वो काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने क्या किया था, हिम्मत दिखाकर, हिम्मत करके जो रोटी थी वो उठा ली थी। आपका अगला प्रश्न है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो जो बंदर था वो दोनों बिल्लियों को मूर्ख बना रहा था और मूर्ख बनाकर यह बताना चाह रहा था कि वो सही न्याय करेगा। आपका अगला प्रश्न है कि कहानी का शीर्षक बंदरबांट क्यों है। तो कहानी का जो शीर्षक है बंदरबांट रखा गया है क्योंकि बंदर जो था दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। तो जो बंदर होता है अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है। तो दोनों को ये लगता है कि बंदर ने बहुत सही न्याय किया। तो इस तरह से कहानी का जो मुख्य पात्र है वो बंदर बन जाता है। आपका अगला प्रश्न है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी। तो हम नाटक को दो की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा। तो जो दो बिल्लियाँ थी आपस में लड़ रही थी लेकिन फ़ायदा किसने उठाया, बंदर ने। और हम लिखेंगे लड़ाई का फल और बंदर बना जज, ये हम सब नाम दे सकते हैं। तो लड़ने का क्या फल होता है, जो बंदर है वो जज बना था इसमें, तो हम इसमें इस तरह से नाम दे सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। तो इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दो बिल्लियों के झगड़े में जो बंदर है वो रोटी खा जाता है। बिल्लियां यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका नहीं मिलता।
तो ये जो बिल्लियाँ थी आपस में लड़ी, तो उनको इसका फल मिल गया। जो बंदर था वो जज बना और इस तरह से उसने उनका फ़ायदा उठाया लड़ने का। तो जो बंदर था उसको एक अच्छा मौका मिला रोटी खाने का। आपका अगला प्रश्न है कि बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? तो आपको ये चीज़ें देखनी है और बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप तोलकर लेते हैं। तो इनमें से तरबूज है, काशी फल है और चावल है, इनको हम तोलकर लेते हैं। जो केला है उसको हम दर्जन के हिसाब से, एक दर्जन में 12 होते हैं तो जितने लेने होते हैं हम उसको बोल देते हैं, तो बिना तोले मिलता है। तो इस तरह से इसमें तरबूज, काशी फल और जो चावल है वो हम तोल कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तोलते वक्त एक पलड़े में क्या होता है? तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? तो आमतौर पर जो बाट होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त जो सुनार होते हैं उनके यहाँ क्या होता है, जो सोना चांदी होता है, इनको तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से आप पता कर सकते हैं। तो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 10 व 20 किलो और 50 किलो के जो बाट होते हैं, बट्टे होते हैं, वो मिलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, तो मैं किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो हमें खाने की जो महक होती है वो अच्छी लगती है। हलवा है, पूरी है, सब्जी है, रोटी, दाल, चावल, इन सब की जो महक होती है, खुशबू होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो इसके अलावा हमें जो गंध आती है जो खाने से संबंधित नहीं है, वो है पाउडर की गंध, क्रीम की सुगंध, फिनाइल, मिट्टी का तेल, गैस या पेट्रोल, इन सब की जो गंध होती है वो हमें आती है। आपका अगला प्रश्न है, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं कि मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली, तो इसका हम क्या बनाएंगे, मैं भी उसी खोज में निकली, मैं भी उसी खोज में निकली। अगला है, रखी मेज पर है वो रोटी, तो वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में, तो उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, तो मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, तो रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। आपका अगला प्रश्न है कि अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी कि इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया, आगे क्या हुआ होगा? तो अगले दिन तरबूज लेकर जो बिल्लियाँ थी वो जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दूँ। अब की बार बिल्लियाँ बंदर के झांसे में नहीं आई। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बंटवारा कर लेंगे, बांटकर खा लेंगे। यह कहकर जो बिल्लियाँ थी वो चली गईं और जो बंदर था वो अपना सा मुँह लेकर रह गया। जो बिल्लियाँ थी वो बंदर के झांसे में इस बार नहीं आई, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, बंदर ने उनकी रोटी खा ली थी। आपका अगला प्रश्न है, कट्टो बिल्ली बगीचे में अपनी भाई बहनों के साथ खेल रही थी, इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है? तो आपको तस्वीर में बताना है कि जो कट्टो बिल्ली है वो कौन सी है। तो बीच में एक अकेली जो बिल्ली खड़ी है वो है कट्टो बिल्ली। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, वो ख़त्म हो गए। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असे एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।